पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना, यानी पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसके बढ़ने से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनकी प्रजनन क्षमता पे इसका असर पड़ता है, स्पर्म काउंट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, पेशाब को रिलीज़ करने यानी यूरिन को रिलीज़ करने में बड़ी दिक्कत आती है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है तो ये मूत्र मार्ग पर हल्का दबाव डालती है, जिसके कारण पेशाब को रिलीज़ करने में भी बड़ी दिक्कत आती है। जब पेशाब को रिलीज़ करने में दिक्कत आती है, मूत्र मार्ग पर इसका असर पड़ता है, तो इसका इफ़ेक्ट हमारी किडनियों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। आगे चलकर बहुत से लोगों को प्रोस्टेट कैंसर जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। पहले तो जो ये समस्याएं थी एक सर्टेन एज के बाद 45 से 50 के बाद देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आज हमारी दिनचर्या लाइफस्टाइल के बिगड़ने के कारण बहुत अत्यधिक तनाव, खान पान में किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल ना होना, फिजिकली एक्टिव ना होना, इस कारण से काफ़ी युवा भी इस तरीके की परेशानियों का सामना करते हैं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे आसनों का सीक्वेंस डिज़ाइन किया है जिसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो आप इन समस्याओं से बहुत हद तक उबर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई समस्या है भी नहीं तो भी आपको इन अभ्यासों को ज़रूर करना चाहिए। इन अभ्यासों का अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ रखेंगे, आपके ब्लैडर को, मतलब आपके पूरे के पूरे जो यूरिनरी सिस्टम है ना, उसको स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही आपकी प्रजनन क्षमता में भी आप इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देखेंगे। इन सारे अभ्यासों को करते रहने से आपकी लोअर एब्डोमेन पर हल्का दबाव पड़ेगा, जिससे कि आपके पूरे के पूरे जेनाइटल रीजन पर इसका अच्छा इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ यही तक नहीं, आपके पेल्विक रीजन पर ब्लड फ्लो होगा, इम्प्रूव होगा, आपकी लोअर बैक पर इसका काम बहुत अच्छा होगा इन सारे आसनों का अभ्यास करने से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए योग आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है बद्ध कोण आसन, या इंग्लिश में इसे कॉबलर पोज कहते हैं। इसको करने के लिए बहुत आसानी से आप अपने दोनों पैर के जो तलवे हैं ना, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे और अपनी हील को अपनी पेल्विक रीजन के करीब और खींचेंगे, ताकि आराम से आपकी पेल्विक रीजन के अराउंड एक गहरा स्ट्रेच पड़े, इनर थाइस के अराउंड स्ट्रेच पड़े और इसका इफ़ेक्ट आपकी लोअर बैक पर भी आए। थोड़ा सा दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे लेंथन करें, खींचें ऊपर की तरफ, जिससे आपके घुटने स्लाइटली नीचे की तरफ आएंगे। फिर अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ते हुए उंगलियों को चाहें तो ऐसे फंसा लें, और फिर उसके बाद रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, ऐसे झुका के नहीं। फिर उसके बाद अपने घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाएंगे। इस अभ्यास को कम से कम आप 30 सेकेंड या एक मिनट तो हर रोज़ कर लिया करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इसका अभ्यास करते रहने से महिलाएं हो चाहे पुरुष, दोनों के जननांग बहुत स्वस्थ रहते हैं और आपके पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम यानी आपके पेशाब की थैली, पेशाब का मार्ग, इन सब को, किडनियों को बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ रखता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद इसी में एक और वेरिएशन कर सकते हैं, दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ें, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी बेली पर, लोअर बेली पर इसका अच्छा दबाव आएगा। ऐसे जोड़ें, फिर उसके बाद ऐसे खोल दें, ऐसे जोड़ें। जिन लोगों का पेट काफ़ी अधिक बड़ा होगा तो शायद वो इस तरीके से जोड़ ना पाए, तो जहाँ तक हो सके इस तरीके से आपकी थाई का दबाव पेट पर आएगा। ऐसे छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ दें। तो इसका अभ्यास आप कम से कम 8 से 10 बार ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। इन योगा क्लासेस में मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। मेरी निगरानी में हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, डीप रिलैक्सेशन की टेक्निक, क्लिंजिंग की टेक्निक, ये सारी स्टेप बाई स्टेप सीखते हैं।
आप अगर बिगनर हैं, पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, या ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को डीपन करना चाहते हैं, या आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, अत्यधिक मानसिक तनाव का होना, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है या पीरियड्स होते नहीं हैं, रुक रुक के होते हैं, इररेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो ये क्लासेस आपको हाईली बेनिफिशियल मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको ज़रूर योग का अभ्यास करना चाहिए। मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास कर रहे हैं, उनको इन क्लासेस से बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। और ये क्लासेस आप अपने घर पे रहकर ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन क्लासेस को जूम के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो मैंने कुछ कोर्स डेवलप किए हैं, योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स, जो कि कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। आप इन वीडियोस को प्ले करके घर में कभी भी किसी भी वक्त अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि आपको यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं मिलेंगी। मैंने इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वास्थ्य लाभ मिले, आप आसन का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। अगर आप इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए। जाइए मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या कि फिर एक व्हाट्सएप कीजिए और शुरुआत करते हैं। मैं अगला अभ्यास बता रही हूँ ना, ये बहुत सुपर ईजी, सिंपल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अभ्यास से पूरे एब्डोमिनल रीजन और जेनिटल के अराउंड ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। इसका अभ्यास जब आप कर रहे होंगे तो पेट का संकुचित कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज़ करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज़ करना, ये आपकी पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम, साथ ही प्रोस्टेट और साथ ही जेनिटल्स के आसपास एक गहरा एक्टिवेशन आपको महसूस करवाएगा। साथ ही इसके अभ्यास से पूरे बॉडी की जो टेंशन है वो तो रिलीज होती ही होती है। कर रहे हैं कैट एंड काउ स्ट्रेच, तो आराम से वही वज्रासन में बैठे थे, वज्रासन से बैठे हुए दोनों हथेलियों को ऐसे आपने रख देना है मैट पर, दोनों हथेलियों के बीच में कंधे जितना फासला और दोनों घुटनों के बीच में भी कमर जितना आपने इस तरीके से फासला कर रखा है। अब सांस लेते हुए आर्च योर बैक, पेट को ढीला छोड़ें, छत की तरफ देखें, ऐसे पूरा पेट को ढीला छोड़ दें ऐसे, और आपकी लोअर बैक, मेरी लोअर बैक पर ध्यान दें ऐसे। सांस छोड़ते हुए पेट को ज़रा अपने अंदर की तरफ खींचें और अपनी लोअर एब्डोमेन पर ध्यान रखते हुए हल्का सा उसको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें ऐसे। सांस लें, पेट को ढीला छोड़ें, सांस छोड़ें, पेट को अंदर की तरफ पुल करें, नाभि की तरफ देखें ऐसे। सांस लें, छत की तरफ देखें, पेट को पूरा ढीला छोड़ दें, पूरे जेनिटल्स को ढीला छोड़ दें। सांस छोड़ें, अपने जेनिटल्स को जरा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें, अपने जैसे कभी कभी पेशाब लगती है आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं ना, उस तरीके से अंदर की तरफ खींचें। सांस लें, लुक अप, सांस छोड़ें, अपनी नाभि की तरफ देखें। तो इसका अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास 10 से 15 बार हर रोज़ कर लिया करें, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड तो लचीली होगी ही होगी, जेनिटल्स पर इसका बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ता है इस तरीके से। और फिर उसके बाद इस पॉस्चर को रिलीज़ करके अपने पैरों को सीधा करें, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, फिर से पैरों को ऐसे टैप करें जिससे पैर रिलैक्स भी हो जाए और उनमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाए। अब इस अभ्यास को करने के बाद मैं आपको जो दूसरा अभ्यास बता रही हूँ, इसका गजब का इफ़ेक्ट आपकी पूरी की पूरी हिप्स पर पड़ेगा, आपके स्पेशली जेनिटल्स पर पड़ेगा, और पेट पर थोड़ा और एक्सटेंडेड दबाव आएगा। आप क्या करेंगे अभ्यास के लिए, ऐसे टेबल टॉप पोजिशन पर आएंगे, कर रहे हैं टाइगर स्ट्रेच, दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रखा। अगर घुटने में आपको कोई ऐसा तकलीफ महसूस हो तो घुटने के नीचे आप कोई एक्स्ट्रा तकिया रख सकते हैं, या अपनी योगा मैट को ऐसे मोड़ सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे। फिर अपनी बॉडी का वेट अपने लेफ्ट घुटने पर ट्रांसफ़र किया, दोनों घुटनों के बीच में अपनी हिप जितना फासला रखिएगा, जोड़ के मत रखिएगा वरना बैलेंस नहीं बनेगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद
अपने एक पैर को घुटने से मोड़े। मैंने अभी राइट पैर को घुटने से मोड़ा, सांस लिया, देखिए घुटना मोड़ के रखिएगा, ऐसे सीधा मत कीजिएगा, मोड़ के रखिएगा और अपनी हिप पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस जगह पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कैसे ये उठते हुए एक्सपेंशन हो, पूरे पेट पर यहाँ पर इस जगह पर खिंचाव आए और सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करें और अपने नी को माथे की तरफ लेके आए। सांस लें, पेट को ढीला छोड़ें, छत की तरफ देखें, सांस छोड़ें, अपनी जेनाइटल पर ध्यान लेके आए और अपने माथे को घुटने की तरफ लेके जाएं। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, घुटना मुड़ा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और सांस छोड़ें। हाँ, गलती क्या नहीं करेंगे आप, ऐसे 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 ये प्रैक्टिस मत कीजिएगा, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को आर्च करना है फिर नाभि की तरफ, आर्च करना है फिर नाभि की तरफ। फिर दूसरे पैर से सेम अभ्यास हम रिपीट करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, घुटना मुड़ा ही रहेगा, सांस लेंगे क्योंकि पूरी हिप पर काम हो जाए, पूरे के पूरे जेनाइटल्स पर काम हो जाए, इस तरीके से सांस लीजिए, पेट को पूरा ढीला छोड़िए, सांस छोड़िए, नाभि को अंदर की तरफ, पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर ले, पेट को अंदर की तरफ खींच ले, सांस ले, सांस छोड़ें, सांस ले और सांस छोड़ दें। इसका अभ्यास करने के बाद आप शशांक आसन में रेस्ट करेंगे, जो आपका आपके पूरे के पूरे ब्लड फ्लो को हेड रीजन की तरफ प्रमोट करेगा और आपको आपके जो अभ्यास किया है इसकी वजह से हुई टेंशन को रिलैक्स करेगा। दोनों घुटनों के बीच में फासला किया, दोनों हथेलियों को इस तरीके से अपनी मैट पर फैला दिया और हेड डाउन कर दें और कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी पोस्चर में रेस्ट करें, हेड डाउन। अब अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस अभ्यास को करने से ना आपके पेट में गजब की मजबूती आएगी और इससे आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा। आप आराम से अपने दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लेंगे। अभ्यास कर रहे हैं बोट पोज या नौका आसन का। आराम से अपने शोल्डर्स को रोल बैक करें, चेस्ट को ओपन करें, सामने देखते हुए दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, अपने एक पैर को उठाएं, अपनी जेनाइटल पर ध्यान लेके जाएं, हल्का सा अपने जेनाइटल पर ध्यान रखते हुए हल्का सा अंदर की तरफ पुल करें, जैसे कभी ज़ोर से पेशाब लगे और कैसे पेशाब को रोकते हैं उसी तरीके से होल्ड करें। 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद एक पैर को उठाएं, ब्रीद करते रहें, अपने दाहिने पैर के बड़े अंगूठे को देखें। 5 4 3 2 1 दाहिने पैर को ड्रॉप करें, फिर इसी तरीके से लेफ्ट पैर को उठाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जब आप पैर को उठा रहे हैं तो अपने ध्यान को अपनी लोअर एब्डोमेन पर रखें, यहाँ पर रखें और जैसे कभी पेशाब को रोकना पड़ता है ना उसी तरीके से अपने ध्यान को वहीं पर लेके जाएं और हल्का सा अपने जो यूरिनरी सिस्टम है उस पर ध्यान लेके जाएं और पेशाब की थैली के पास हल्का सा एक खिंचाव बना के रखें अंदर की तरफ, ऐसे फिर से करें, हल्का सा अंदर की तरफ खींचें। 5 4 3 2 1 ड्रॉप कर दें, दूसरे पैर को भी लेफ्ट पैर को उठाएं, होल्ड करें। 5 4 3 2 1 अगर ऐसे पैर उठाने में दिक्कत आए तो थोड़ा सा ऐसे पैर के नीचे ऐसे पकड़ सकते हैं हल्का सा सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे उठाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बॉडी हैवी होती है ऐसे। जब ऐसा अभ्यास हो जाए तो दोनों पैरों से भी अभ्यास करें, राइट उठाएं, लेफ्ट उठाएं, हल्का सा अपने एब्डोमिनल को अंदर की तरफ पुल करें, होल्ड करें। 5 4 3 2 1 ऐसे। और अगर ये दोनों पैर इस तरीके से ना उठ पाए तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा ऐसे घुटने से मोड़ सकते हैं। 5 4 3 2 1 और अगर ये भी ना हो पाए तो ऐसे पैर के नीचे ऐसे पकड़ लें, होल्ड करें। 5 4 3 2 1 अब दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, पैरों को टैप करें, टैप करें, टैप करें, टैप करें। अब अगले आसन का अभ्यास, ये बहुत ही गजब का पेट पर दबाव डालेगा, लोअर बैक पर खिंचाव लाएगा और साथ ही आपके पैरों की मांसपेशियों के पैरों के पीछे की मांसपेशियों को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच करेगा। इस आसन का नाम है जानुशीर्ष आसन।
तो सबसे पहले कैसे करेंगे अभ्यास देखें। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा और दाहिने पैर के तलवे को बाएं पैर के बाएं थाई के पास लेके आए, ऐसे इस तरीके से, ऐसे। पहले एक बार इधर से दिखलाती हूँ आपको, ऐसे इस तरीके से। सांस लेते हुए दोनों हाथों को छत की तरफ खींचे और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं, जिससे पेट जो है, पेट की मांसपेशियां खिंच जाएं अच्छी तरीके से। और सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को सीधी रखते हुए धीरे 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 धीरे, जैसे कि आपको आगे से कोई खींच रहा हो, और अपने पैर के तलवे को पकड़ लें और थाई का दबाव पेट पर महसूस करें। लोअर बैक को सीधी रखें, माथे को घुटने की तरफ लेके जाएं, होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि ऐसे पैर पकड़ सके, तो आप क्या करें, सिंपल, जहां तक आपका हाथ पहुंचे वहां तक ही होल्ड करें। सामने देखते रहें, ऐसे नीचे ना देखें कि स्पाइन गोल गोल हो जाए, सीधा रखें, सामने देखें। 1 2 3 4 एंड 5। कम से कम इस पोस्चर को आपको 10 काउंट तक होल्ड करके रखना है। ज़्यादा होल्ड करके रख सकते हैं, आपकी अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है। 30 सेकेंड या एक मिनट तक रोक के रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें और ध्यान को अपने पेट पर रखें। इसी अभ्यास को आप दूसरी तरफ भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, लेफ्ट फुट को राइट थाई के पास इस तरीके से लगा के रखा, सांस लेते हुए दोनों हाथों को खींचा, थोड़ा सा पीछे झुक गए और सांस छोड़ते हुए ऐसे इस तरीके से, और माथे को घुटने की तरफ लेके जाएं, पैरों के पीछे खिंचाव आ जाए, लोअर बैक पर खिंचाव आ जाए, पेट पर दबाव आ जाए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज कर दें, रेस्ट करें। अब हम रेस्ट करेंगे अगले आसन में, इसका नाम है मकर आसन। आराम से अपने पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे इस तरीके से, अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग करेंगे, दाहिने हाथ को बाएं हाथ को ऐसे क्रॉस करेंगे और रेस्ट करेंगे मकर आसन में। कुछ देर मकर आसन में रेस्ट करने के बाद अब हम अगला आसन पेट के बल लेट कर करेंगे। इसका गजब का इफेक्ट आपके पूरे लोअर बैक पर आता है, पूरे जेनाइटल्स पर आता है, पेट को हल्की मसाज देता है। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ऐसे टक कर लेना है, एल्बो को सीधे रखते हुए ऐसे। ठुड्डी को आपको मैट पर रखना है, फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक पैर इस तरीके से उठाना है, इस तरीके से एक पैर को उठाना है, उठाना है, उठाना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसके बाद ड्रॉप कर देना है। फिर इसी तरीके से आपको दूसरे पैर को उठाना है, घुटने को सीधा रखना है, ऐसे घुटने को मोड़ मत लीजिएगा, घुटने को सीधा रखेंगे तब आप इसका इफेक्ट अपने जेनिटल के आसपास फील कर पाएंगे, लोअर एब्डोमेन के पास, ऐसे। 5 4 3 2 1, ऐसे फिर से उठाएं, होल्ड करें, फिर उसके बाद ड्रॉप कर दें, उठाएं, होल्ड करें, अगर सांस लें सांसों को रोकें, 5 4 3 2 1, और फिर उसके बाद सांस को छोड़ दें। अगर आप अभ्यास थोड़ा और अच्छा हो जाए आपका, और आप अब अपने दोनों पैरों को उठा सकते हैं, जिनको रखें और दोनों पैरों को उठाएं ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद पैरों को ड्रॉप कर दें, और फिर उसके बाद आपको लेट जाना है शवासन में। शवासन में लेट कर कम से कम 5 से 10 मिनट आपको लेटे हुए आराम करना है। लेग्स अपार्ट और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें, रेस्ट करें, ब्रीद करें, रेस्ट करें, ब्रीद करें, रेस्ट करें, ब्रीद करें, रेस्ट करें। फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, थाई को बेली की तरफ लेके आएं, जो हमने पिछले सारे अभ्यास किए हैं इसके इफेक्ट को काउंटर करें, और साथ ही पेट को गहरी मसाज मिलेगी इस तरीके से। हम कर रहे हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। आप चाहें तो साइड बाय साइड इस तरीके से लुढ़कें, ताकि स्पाइन पर जो टेंशन हुई है, लोअर बैक पर जो टेंशन हुई है, उसको दूर भगाया जा सके। फिर उसके बाद आगे पीछे ऐसे लुढ़कें, ताकि इसकी टेंशन को दूर भगाया जा सके। फिर यह अभ्यास करने के बाद आराम से अपनी योगा मैट पर
लेट जाएं, रेस्ट करें, रेस्ट करें, रेस्ट करें। तो देखा आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने कितनी आसानी से आपको इन आसनों का अभ्यास सीक्वेंस में बताया, समझाया, सिखाया। आशा करती हूँ इन आसनों का अभ्यास आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्ते।